Oh, that's made a nice noise. That's gone a long way for some. वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की दौड़ में आर या पार की जंग, आज चाहिनों को करना होगा जनूबी अफ्रीका का शिकार। बाबर 11 झपटने को तैयार, फतह की सूरत में उम्मीदें रहेंगी बरकरार, शिकस्त हुई तो इवेंट से बाहर। इंजर्ड फखर जमान की जगह मोहम्मद हारिस स्क्वाड में शामिल, आईसीसी की टेक्निकल कमेटी ने मोहम्मद हारिस की शमूलियत की मंजूरी दे दी। मोहम्मद हारिस रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन का दो रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंच गए। मुश्तरका ऐलामिया के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए तआवुन जारी रखने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें की। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। सीपैक से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। मुख्तलिफ शोबों में तआवुन के समझौतों पर दस्तखत। चीनी सदर का सैलाबजदा इलाकों में रिलीफ और बहाली के लिए 15 अरब रुपये से जायद इमदाद का ऐलान। इमरान खान फौरी इलेक्शन के मुतालबे से पीछे हटने लगे, 10 माह तक तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। लॉन्ग मार्च से खिताब में बोले, इस्लामाबाद पहुंचकर भी तहरीक खत्म नहीं होगी, शफाफ इंतखाबात के ऐलान तक मैदान में रहेंगे। रियासत से लड़ोगे तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे, इमरान खान को पकड़ा तो मत जेल के मिर्ची वार्ड में रखेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहा इसे पता है कि मेरे हाथ लग गया तो मैंने माफ नहीं करना। इमरान खान हाजिर हों, FIA ने साइफर ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए इमरान खान को आज तलब कर लिया। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को भी हाजिरी का दूसरा नोटिस। मुआविन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं, साइफर की गुमशुदगी की भी छानबीन होनी चाहिए। इमरान खान पार्टी चेयरमैन के लिए अहल हैं या नहीं, लाहौर हाईकोर्ट का सिंगल बेंच आज समाप्त करेगा। दरख्वास्त गुजार ने मौकिफ इख्तियार किया कि तोशाखाना केस में इमरान खान ना अहल करार पाए। कानून के मुताबिक ना अहल शख्स पार्टी चेयरमैन का ओहदा नहीं रख सकता। PTI का नया चेयरमैन लगाने का हुक्म देने की इस्तदा। गुजरात के निजी अस्पताल में खातून के यहाँ बयक वक्त 4 बच्चों की पैदाइश, माँ और चारों बच्चे तंदुरुस्त, अहले खाना खुशी से निहाल। और चित्राल में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी, बारिश और बर्फबारी से इलाके में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली।